हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बिना बेसन के और कॉर्नस्टार्च को इस्तेमाल किए चलिए बनाते हैं मीट बॉल्स। मैंने लिए हैं इधर कुछ मसाले, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, रोस्टेड चना, नारियल, प्याज और धनिया पत्ता मैंने लिया है। इसको मैं पीस लूँगी बिना पानी डाले। पीमा को भी मैंने थोड़ा सा फैला लिया है मिक्सर में। इधर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक। मसाला पीसते वक्त आप पानी डाल देंगे तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा, हम बॉल्स ठीक से नहीं बना पाएंगे, क्रैक्स बन जाएंगे और वो टूटने लगेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि कितना सूखा है, इधर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर आपके खीमे में आ जाता है तो आप रोस्टेड चना जो है, भुना हुआ चना को थोड़े से सूखे पीस लीजिए और इसमें मिला दीजिए। सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया है खीमे के साथ। अब मैं बॉल्स बनाना शुरू कर रही हूँ। जितने भी साइज़ के बॉल्स आपको चाहिए वो बना लें। सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं, अब इसको पका लेंगे। मैं इधर कढ़ाई में डाल रही हूँ आधा गिलास पानी। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है हमें, बिल्कुल लो कर दें। इसके बाद मीट बॉल्स डाल दें। मीट बॉल्स डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएं, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है हमें। इसको मीडियम फ्लेम में ही पकने देना है। अब ये पक रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल भी ना हिलाए चम्मच से, थोड़ा सा आप कढ़ाई पकड़ के ही हिला सकते हैं, बस ये पक जाएंगे। पानी पूरा अब्सॉर्ब हो जाए तब तक आप इसको पका ले। ये देखिए पूरा पानी अब्सॉर्ब हो गया है, अब ये बनकर तैयार हैं। अब इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। मैं पैन में तेल डाल रही हूँ। जो मीट बॉल्स हमने पकाए थे पानी में उसको मैं डाल दूंगी और फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे और रेसिपीज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसको हर तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए फ्राई कर दें। ये देखिए कितने क्रिस्पी रेड, कितने बढ़िया लग रहे हैं। एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार से रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।